कॉम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक फीडबैक क्या होता है फीडबैक इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल ओके वैन यू ऑब्जर्व सम वन परफॉर्म देअ वर्क एंड देन कम्युनिकेट विद दैम टू हेल्प इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस यू आर गिविंग फीडबैक ठीक है तो ये होता है आपका फीडबैक जब कोई इवेंट हो रहा है और आप उस इवेंट के बारे में जो भी उस इवेंट को परफॉर्म कर रहा है उसको बताते हैं कि ये इवेंट ये इवेंट इस तरीके से होना चाहिए या उस इवेंट के बारे में कुछ भी उसके साथ डिस्कस करते हैं ठीक है कि इस इवेंट में ये चीज़ें और हो सकती हैं तो ये कहलाता है आपका फीडबैक तो फीडबैक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है तो टाइप्स ऑफ फीडबैक फीडबैक कितने टाइप्स के होते हैं एक पॉजिटिव फीडबैक होता है और एक होता है नेगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक मतलब जैसे कि आई नोट आई नोटिस यू फिनिश द वर्क परफेक्टली ग्रेट जॉब तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक जो अप्रिशिएट कर रहा है आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग दैट कॉल कैन यू प्लीज़ ऑल्सो शेयर द डिटेल्स ठीक है तो ये बता रहा है यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ओके नेगेटिव फीडबैक क्या होता है नेगेटिव फीडबैक में कुछ इस तरह से होता है कि कुछ नेगेटिव बात होती है यू कीप फॉरगेटिंग टू स्माइल एट द होटल गेस्ट वेन यू टॉक टू दैम ठीक है तो ये क्या है नेगेटिव फीडबैक है आपका इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे यू टेक रियली लॉन्ग टू रिप्लाई टू ई मेल आर यू ऑलवेज सो बिजी ठीक है तो ये आपका नेगेटिव फीडबैक नो फीडबैक का मतलब है यहाँ पे इट इज ऑल्सो फीडबैक इन इट्स सेल्फ विच इंडिकेट डिसएग्रीमेंट्स ऑफ आइडियाज़ आप कोई फ़ीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप पार्टिसिपेट आप नहीं कर रहे हैं ठीक है तो फीडबैक हमारे दो टाइप के होते हैं एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक फीडबैक को एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि रिव्यूज़ ठीक है रिव्यूज़ जैसे कि हमारे उसमें होते हैं जो हमारे जो ई कॉमर्स साइट्स होते हैं हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उसके रिव्यूज़ देते हैं तो वो क्या एक तरह से फीडबैक है आपका ओके कम्युनिकेशन साइकिल है ये यह, यहाँ पर कम्युनिकेशन साइकिल एक डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे तो कौन कौन इसमें होता है क्या क्या होता है कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर होता है कम्युनिकेट होता है रिसीवर होता है और फीडबैक होता है तो फीडबैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन साइकिल में ओके फीडबैक फीडबैक इफ शेयर प्रॉपरली इफ फीडबैक इफ शेयर प्रॉपरली कैन हेल्प री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एंड कैन इंक्रीज द रेसिपेंट्स एबिलिटीज टू रेक्टिफाई एरर अगर सही तरीके से फीडबैक दिया जाए तो जो जिसको फीडबैक दिया जा रहा है वो रेक्टिफाई कर कर पाएगा अपनी एरर्स को और अगली बार जो है अपनी जो एरर्स थी उनको रिमूव करेगा और उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी ठीक है अ गुड फीडबैक ठीक है गुड फीडबैक क्या होता है अ गुड फीडबैक इज़ वन दैट इज़ स्पेसिफिक स्पेसिफिक होना चाहिए अवॉइड जनरल कमेंट्स ट्राई टू इंक्लूड एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई योर स्टेटमेंट्स ओके तो स्पेसिफ़िक होना चाहिए आपका जो कमेंट है जो भी आप फीडबैक दे रहे हैं आप एग्जांपल्स की मदद ले सकते हैं अपने स्टेटमेंट को क्लियर क्लियर करने के लिए ठीक है ठीक है इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे सपोज करो कि एक कोई मोबाइल जो है मार्केट में नया आया है ठीक है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं उसमें तो हम जनरल कमेंट नहीं देंगे कि ये मोबाइल बेकार है हम बताएंगे हम पिन पॉइंट करेंगे स्पेसिफिक थिंग को हम बताएंगे कि इसमें जो है बैटरी प्रॉब्लम है ये इसकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है या फिर जो है इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत अच्छा नहीं है या जो इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है पावर है वो बहुत अच्छी नहीं है पिन पॉइंट करेंगे स्पेसिफिक थिंग पे ठीक है मतलब पर्टिकुलर थिंग को हम बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या क्या चीज़ इसमें सही नहीं है ओके okay. बजाय कि जनरल कमेंट देने के कि ये फ़ोन बेकार है ओके okay, तो ये है स्पेसिफिक का मतलब ओके टाइमली बिग प्रॉ बिंग प्रॉम्प्ट इज द की सिंस फीडबैक लूजर्स इट्स इम्पैक्ट इफ डिलेट फॉर टू लॉन्ग ठीक है टाइमली होना चाहिए जैसे कि इवेंट आज हुआ है तो आज ही उसका जो है फीडबैक दे देना चाहिए हमें ठीक है जैसे जैसे टाइम बीतेगा जैसे जैसे समय पास होगा टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा जैसे इवेंट हुआ है आज और फीडबैक दे रहे हैं एक महीने बाद तो अब जो इवेंट हुआ है तो उसका जो फीडबैक होगा उसका उतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा जब हम उसका फ़ीडबैक देंगे ठीक है तो फीडबैक ऐसा होना चाहिए एकदम जो है टाइमली हमें उसे देना चाहिए ठीक है पोलाइट होना चाहिए जब हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो कैसे देना है हमें पोलाइटली देना है ना कि कुछ इस तरह की भाषा यूज़ करनी है कि जो है जिसको फीडबैक दिया जा रहा हो वो जो है रेसिपेंट शुड नॉट फील ऑफेंडेड बाय लैंग्वेज ऑफ द फीडबैक मतलब इस तरह की भाषा ना हो कि जिससे कि उसे बुरा लगे ठीक है या अच्छा ना लगे ओके ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट इसका मतलब है फीडबैक शेयरिंग शुड बी कंटिन्यूस प्रोसेस आफ्टर ऑफरिंग फीडबैक लेट रेसिपेंट नो यू आर अवेलेबल फॉर सपोर्ट अगर आप फीडबैक दे रहे हैं तो हमें इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं अगर उसने हमसे हेल्प मांगी है कुछ सपोर्ट मांगा है तो हम उसको सपोर्ट दे सकें ठीक है उसको कुछ हेल्प कर सकें इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी फीडबैक की इट मोटिवेट्स ये क्या करता है मोटिवेट करता है फीडबैक कैन मोटिवेट पीपल टू बिल्ड बेटर वर्क रिलेशनशिप एंड कंटिन्यू द गुड वर्क दैट इज़ बीग एप्रिशिएटेड ओके इट बूस्ट लर्निंग फीडबैक देने से क्या होता है जब हम किसी को फीडबैक देते देते हैं और उसको पता चलता है कि ये ये चीज़ें कम थी या ये चीज़ें या इस इवेंट में ये एरर्स थी तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा उसको अच्छे तरीके से करेगा और जितनी एरर इस समय रही हैं या जितनी प्रॉब्लम जो भी चीज़ें उसमें कमी रही हैं इवेंट में या काम में वो नेक्स्ट टाइम नहीं होंगी अच्छे तरीके से प्लान करेगा अच्छे तरह से जो है मैनेज करेगा चीज़ों को ठीक है ताकि जो एरर्स थी वो रिमूव हो जाए इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस फीडबैक कैन हेल्प टू परफॉर्म बेटर डिसीजन टू इम्प्रूव परफॉर्म इम्प्रूव एंड इंक्रीज परफॉर्मेंस ओके एक इसमें पॉइंट है इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग द पर्सन प्रोवाइडिंग द फीडबैक नोज दे हैव बीन अंडरस्टूड एंड देयर फीडबैक प्रोवाइड सम वैल्यू ठीक है इसका मतलब है कि भाई जो पर्सन फीडबैक दे रहा है वो ये जानता है कि उसको सुना जा रहा है उसको समझा जा रहा है ठीक है और उसका जो फीडबैक है उसकी कुछ वैल्यू है जिसको हम फीडबैक दे रहे हैं यानी कि वो उस फीडबैक पे कुछ ना कुछ काम करेगा उसके लिए वो वैल्यूबल है ओके okay. नेक्स्ट है हमारा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ओके तो क्या है व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी नो

सेवन सीज हमारे क्लियर कंसाइज कंक्रीट करेक्ट कोहरेंट कंप्लीट एंड करशियस ओके तो देखते हैं इन सेवन सीज में जो इस अलग अलग सीज़ हैं इनका क्या मतलब है सबसे पहला है हमारा क्लियर क्लियर का क्या मतलब है बी क्लियर अबाउट वाट यू वॉन्ट टू से इसका मतलब है कि आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए मतलब डोंट लेट पीपल गेस योर मीनिंग ओके मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसका मीनिंग एकदम क्लियर निकलता हो ऐसा ना हो कि लोग उसका अंदाजा लगाएं कि क्या मीनिंग निकला इस मैसेज का ओके okay? तो क्लियर होना चाहिए दूसरा है कंसाइज कंसाइज मीन यूज सिंपल वर्ड्स से ऑनली व्हाट इज नीडेड कंसाइज का मतलब होता है वैसे बी स्पेसिफिक डू नॉट वेस्ट वैल्यूबल टाइम ठीक है अप टू द पॉइंट होना चाहिए ओके okay? ठीक है नेक्स्ट है आपका कंक्रीट कंक्रीट का मतलब है आपका यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स जो भी आपके मैसेज से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए और इम्प्रेसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए आपको ठीक है नेक्स्ट है आपका करेक्ट करेक्ट क्या कह रहा है यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ओके हमें जो ग्रामेटिकली जो हमारा मैसेज है वो करेक्ट होना चाहिए इसके बाद है आपका कोहरेंट कोहरन का मतलब है वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू मेन टॉपिक ठीक है जो भी आप कह रहे हैं ठीक है जो भी मैसेज आप कह रहे हैं या जो भी शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी सेंटेंस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके जो है मैसेज से रिलेटेड होने चाहिए ऐसा ना हो कि मैसेज आप किसी चीज़ के बारे में देना चाहते हो लेकिन आपके जो सेंटेंस है वो आपके मैसेज से मेल ना खाते हो या उनके बारे में उसका जिक्र ना हो ठीक है उसके बाद है आपका कंप्लीट इंक्लूड ऑल नीडेड इन्फॉर्मेशन जितनी इन्फॉर्मेशन आप पास करना चाहते हो वो सब होना चाहिए आपके मैसेज में जैसे कि इसमें सिंपल एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं कि भाई जैसे आपने मैसेज कहा कि कल आप रिपोर्ट करना तो आप बताएंगे कि भाई कल आप रिपोर्ट करना सात बजे और वेन्यू भी डिक्लेयर करेंगे ओके कर्सियस कर्सियस का मतलब है बी रेस्पेक्टफुल फ्रेंडली एंड ऑनेस्ट ठीक है तो हमें कैसा रहना चाहिए हमारे को रेस्पेक्टफुल हमें रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए फ्रेंडली रहना चाहिए और ऑनेस्ट रहना चाहिए ठीक है तो ये हैं सेवन सीज़ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हमें ये सेवन सीज़ को ध्यान में रखना है जब हम जब हम कम्युनिकेशन को सेटअप कर रहे हो ठीक है एक भी सी अगर मिसिंग है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी ओके उसके बाद आते हैं हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन बैरियर्स जो हैं क्या क्या हैं वो हैं लिंग्विस्टिक कल्चरल फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल, इंटरपर्सनल ठीक है तो so, सबसे पहला हमारा है फिज़िकल बैरियर तो फिज़िकल बैरियर का मतलब है आपका फिज़िकल बैरियर इज़ द इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल कंडीशन दैट एक्ट एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन इन सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर नॉट बींग एबल टू सी जेस्टर पोस्टर एंड जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कॉम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्सट मैसेज आर ऑफन लेस इफेक्टिव दैन फेस टू फेस कॉम्युनिकेशन फिजिकल बैरियर का मतलब है जैसे कि इन्वामेंट का होना या जो कंडीशन है जिसमें हम कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हैं वो कैसी हैं जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई अब जो 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 फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वजह है कि अगर हम जो कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हैं अपना फ़ोन पे या टेक्स्ट मैसेज सेटअप कर रहे हैं टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं तो फेस टू फेस में क्या होता है कि हम सामने वाले के जेस्टर्स को देख सकते हैं पोस्टर्स को देख सकते हैं बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं तो कम्युनिकेशन जो होगा मैसेज जो होगा और क्लियर होगा ठीक है और फ़ोन में या टेक्स्ट जब मैसेज भेजते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें तो होती नहीं तो मैसेज तो हमने भेज दिया भेज दिया लेकिन ये सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे ठीक है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही है जो हमारा फेस टू फेस है ओके सेकेंड है हमारा लिंग्विस्टिक बैरियर लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब है भाषा द इबिलिटी टू कॉम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज लैंग्वेज बैरियर टू कॉम्युनिकेशन लैंग्वेज बैरियर आर द मोस्ट कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर विच कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस इंटरप्रटेशन बिटवीन पीपल ओके जैसे कि दो पर्सन है आपस में कॉम्युनिकेट करना चाहते हैं बट देयर लैंग्वेज आर डिफरेंट सो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ठीक है तो दोनों की भाषाएं अलग अलग हैं तो कम्युनिकेशन उस तरीके से सेटअप नहीं हो पाएगा ओके इंटरपर्सनल बैरियर्स बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द सेंडर्स मैसेज इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज़ इंटेंडेड ओके इट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद सम वन हुज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज स्टेज फेयर लैक ऑफ विल टू कम्युनिकेट, पर्सनल डिफरेंसेस कैन क्रिएट इंटरपर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ठीक है तो इंटरपर्सनल बैरियर्स जो हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं ठीक है अब जिस व्यक्ति से हम जो है कम्युनिकेशन सेटअप करना चाहते हैं हो सकता है कि वो बात करने का इच्छुक ना हो।, हो सकता है उसका, है उसका मूड जो है खराब है सैड है ठीक है हो सकता है वो बात करने में उतना कॉन्फिडेंस उसको आता ना हो कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं या अपने जो व्यूज़ हैं जो है एक्सप्रेस कर पा रहा हो ठीक है तो ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं इंटरपर्सनल बैरियर ओके नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में होता क्या है ऑर्गेनाइजेशंस आर डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल Hierarchical structure that follow performance standard rules and regulation, procedures, policies, behavioral norms. Okay, all these affect the free flow of of communication or organization, and therefore need to suitably manage superior subordinate relationship in a formal organization. Structures can be barrier to free flow of communication. Okay. Also, sometimes due to string गैन stringent रूल्स the employees फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू communicate with their पीयर्स टू अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि भाई वहाँ क्या होता है एक हिरारिकल स्ट्रक्चर्स होता है जैसे सपोज करो कि एक पर्सन है ठीक है तो पर्सन को अगर अपने बॉस तक कुछ आ, बात पहुँचानी या वो उसके साथ कम्यनिकेट करना चाहता है तो उसको एक हिरारिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले जो है अपनी बात को या अपने मैसेज को कन्वे करेगा अपने टीम लीडर को टीम लीडर जो है वो मैसेज करेगा उनके अपने कोऑर्डिनेटर को कोऑर्डिनेटर जो है अपने सीनियर कोऑर्डिनेटर को देगा सीनियर कोऑर्डिनेटर फाइनली जाके जो है आपके बॉस को देगा मैनेजर को देगा तो इसमें क्या होता है कई बार जो है मैसेज जो हमने दिया वो चेंज हो गया ठीक है उसका जो जो जिस इंटेंसिटी जिस फीलिंग के साथ जो मैंने मैसेज देना चाहता था उसका मीनिंग ही चेंज हो गया वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तो ये सारी प्रॉब्लम होती है ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है तो कई बार कई बार ये भी होता है कि हम जो है आपस में जो इम्प्लॉज़ हैं आपस में कुलीग्स हैं वो भी उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशन में जो है क्या है कम्युनिकेशन के लिए हिरारकिकल हिरारकी सेटअप की गई है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अदर अदरवाइज जो है आप जो है कॉम्युनिकेट नहीं कर सकते लेकिन उसका डिसएडवाटेज ये है कि जो कम्युनिकेशन है वो उतना इफ़ेक्टिव रहता नहीं है ठीक है नेक्स्ट है हमारा कल्चरल बैरियर कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि जो पीपल हैं डिफरेंट जगह के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रीजन के उनके जो कल क, उनके जो कल्चर होते हैं वो अलग अलग होते हैं तो कल्चर जब अलग अलग होते हैं तो उसके कारण क्या होता है कम्युनिकेशन जो है उस तरीक, उतना, उस तरीके सेटअप से नहीं हो पाता जिस तरीके से उसको होना चाहिए ठीक है जैसे कि अमेरिकन पीपल हैं या इंडियन पीपल हैं तो उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है ठीक है जो रशियन पीपल हैं या इंडियन पीपल हैं उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है तो उसके कारण क्या होता है कुछ एजम्सन्स भी बन जाती हैं एक दूसरे के बारे में ठीक है तो उन एजम्पन्स के बारे में हम जो है कॉम्यनिकेशन को उतना फ्रीली या उतना सही तरीके से सेटअप नहीं कर पाते जितना कि उसको होना चाहिए ओके okay. कल्चरल में जैसे ये भी हो सकता है कि जैसे सपोज़ करो कल्चर जैसे हमारे अलग अलग है, हैं जैसे सपोज़ करो कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं शादी का लेते हैं तो वहाँ दुल्हन जो है आपके वाइट कपड़े पहनती है इंडिया में जो वाइट कपड़े जो दुल्हन के लिए अच्छे नहीं माने जाते तो ये क्या कल्चरल डिफरेंस है वहाँ जो है वाइट लक का सिंबल है यहाँ पर वाइट जो है शादी में बैड बुरा माना जाता है तो ये कल्चरल डिफरेंस है तो इसके कारण जो है कई बार जो है कम्युनिकेशन उस तरीके से सेटअप नहीं हो पाता जिस तरीके से उसको होना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है नहीं हो पाता है ओके वे टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं यू सिंपल लैंग्वेज डू नॉट फॉर्म एजेम्सन ऑन कल्चर रिलीजन और जोग्राफी ठीक है अजम्सन नहीं बनानी चाहिए हमें कल्चर के बेसिस पे या रिलीजन या जोग्राफी जोग्रफल कंडीशन के बेसिस पे ठीक है कौन किस कल्चर का है पर्सन या किस धर्म का है या किस जो जहाँ वो रहता है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन कैसी है उसके बेसिस पे हमें ज़्यादा एज नहीं बनाना चाहिए ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल ठीक है यूज़ विजुअल्स टेक हेल्प ऑफ आर ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंस इन लैंग्वेज अगर लैंग्वेज में डिफरेंस है तो हम ट्रांसलेटर की मदद ले सकते हैं बी रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियंस ठीक है जब भी हम कम्युनिकेशन सेटअप कर रहे हैं तो हमें जो है दूसरे के जो विचार हैं या जो चीज़ जो वो सोचता है उस उसको भी हमें बहुत जो है आ, सम्मान देना चाहिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें अपनी बात ही ऊपर रखनी है ठीक है तभी जो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन सेटअप हो पाएगा ओके